हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आप अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, तो अपने अपने पर्सन को याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें और पूरे पॉजिटिव होकर अपने पर्सन की रीडिंग देखें ताकि एनर्जीज जो हैं अच्छे से कनेक्ट हो सके। वाओ, एट ऑफ वॉन्ड का मैसेज पहले ही आ गया है, सेवन ऑफ वॉन्ड का मैसेज आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड। फोर ऑफ सॉर्ड, सिक्स ऑफ कप्स, जजमेंट एंड एट ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन हर्ट हैं। अपनी करंट सिचुएशन में यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फंसे हैं, स्टक हैं, दुविधा में हैं, खुद को हील कर रहे हैं। आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कॉल और मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी मूवमेंट भी लें, कोई एक्शन भी लें, या बहुत जल्दी आपसे बातचीत भी करें। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। 88 की एनर्जी आई हुई है यहाँ पर और 7888888 आया हुआ है, तो ये आपके लिए कोई साइन भी हो सकता है। 8 hours, 8 weeks, 8 days पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पर्सन का कॉल और मैसेज आ सकता है, क्योंकि पहला ही कार्ड जो है 8 of Wands से शुरू हुआ है। हो सकता है वो आपसे आकर डायरेक्ट बात करें, या आपको कहीं बुलाकर बात करें, या मैसेज करें, कॉल करें। ये सिचुएशंस हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, जो कि फैमिली हो सकती है, उनके उनका करियर हो सकता है, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। आई थिंक आपके पर्सन जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराहट में है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ट्रिगर महसूस कर रहे हैं कि किसी तरीके का ट्रिगर हो सकता है उनको फैमिली की तरफ से मिला हो, या उनके आसपास के लोगों की तरफ से मिला हो। उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं उनके बीच में रोड़ा बन रहे हैं, उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में रोड़ा बन रहे हैं। आपके पर्सन इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं विद एट ऑफ स्वॉर्ड एंड एट ऑफ कप्स। निकलना चाहते हैं उन सिचुएशन से जो सिचुएशंस में स्टक हैं, जिस भी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी ना किसी को वो ब्लेम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें वो ब्लेम करते हुए किसी ना किसी को नज़र आ रहे हैं कि मेरी वजह से, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आपकी तरफ से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, या उनकी तरफ से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको वो यहाँ पर ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह से अपने आप को आज इस सिचुएशन में पाता हुआ नज़र आ रहे हैं कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये इनकी वजह से हो रहा है, या मेरी लाइफ में इतनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनकी वजह से हो रहा है, इसी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, अपने आसपास के लोगों को हैंडल करना पड़ रहा है, मेरी सिचुएशंस ठीक नहीं हो रही हैं, मेरे जो आसपास के लोग हैं, जो फैमिली है या करियर है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, मेरे लिए कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं, मेरे लिए हर्डल्स लेकर आ रहे हैं सिचुएशंस को इम्प्रूव होने में। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हैं, कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर उनको बार बार मिल रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं अपनी चीज़ों से, खास तौर पे किसी ऐसे रिश्ते पे जो कि उनको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहा है। कुछ किसी तरीके की सिचुएशन से वो आपके पर्सन निकलना चाहते हैं, जिस सिचुएशन से उनको ट्रिगर मिला है, किसी तरीके का बड़ा झटका या बड़ी हर्ट मोमेंट यहाँ पर हुई है आपके पर्सन के साथ, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और निकलना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी है विद जजमेंट, तो यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी है कि न्याय मांग रहे हैं, मुझे न्याय दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, मुझे सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए, मेरी लाइफ में सब चीज़ें ठीक कर दीजिए। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि ब्लेम कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि मुझे इन सिचुएशन से बाहर निकालिए ताकि मैं इन सिचुएशंस को ठीक कर सकूं, निकल सकूं, एक अच्छी लाइफ जी सकूं, सिचुएशंस को बेहतर कर सकूं, मेरी लाइफ में मुझे मेरी चीज़ें मिल सकें, जो मैं पाना चाहती हूं, पाना चाहता हूं अपने सिचुएशन में, अपनी लाइफ में वो चीज़ें मुझे मिले, मुझे एक सेकंड चांस मिले। सेकंड चांस भी कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है आप पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बट होपफुल रहिए। 88 की एनर्जी आई है, आपके पर्सन जो है बहुत जल्दी 8 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। मैसेज और कॉल भी आपके पर्सन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।